लेता है, समझ लेता है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाता है. द एबिलिटी टू फिक्स द अटेंशन ऑन ईच डिटेल एज इट इज प्रेजेंटेड सो एज टू अब्सॉर्ब इट बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, द नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट एक्टिव नॉलेज इन टू पैसिव नॉलेज एंड न्यू वोकैबुलरी आइटम फॉर एग्जाम्पल विल बिकम मच बेटर फिक्स्ड इन द लर्नर माइंड्स इफ इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग इट टू द मेंटल लिस्ट वन tries immediately to use that words in the sentence. In the classroom, a good student will silently be attempting to answer every question, not just the one directed to him specifically by the teacher. अच्छा जी, ये पॉइंट जो है इसमें क्या है, वट इज़ समझ नहीं आ रहा ना कि ये क्या है, एक्टिव पैसिव क्या चक्कर है. ये चक्कर ये है कि एक स्टूडेंट है, जब वो कोई चीज़ पढ़ता है तो वो उसको बस अपने माइंड में रख लेता है कि ये एक वर्ड है. जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, एलिफेंट. उसने एलिफेंट वर्ड सुना, उसने एलिफेंट वर्ड को याद कर लिया, अपने माइंड में रख लिया, उसे यूज़ नहीं किया. लेकिन दूसरा स्टूडेंट है जो कि उस एलिफेंट वर्ड को ना सिर्फ सुनता है, ठीक है, उसकी पिक्चर को देखता है, उसे समझता है, उसको अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू कर देता है. ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई नया वर्ड सुने, उसे उसके वर्ड्स की मीनिंग देखें, एंड आफ्टर दिस यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद इट, एटलीस्ट आप 5 sentences उसके बनाएं, तो वो आपके माइंड में ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा कि आपके माइंड को वो भूलेगा नहीं. लाइक अब एक वर्ड है स्कॉर्नफुली, जब मैंने वो सुना और मैंने उसके मतलब देखे तो उसका मतलब था स्कॉर्नफुली का हकारत से, कोई काम हकारत से करना. ठीक है, मुझे वो याद ना होता क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट वन, जैसे कि एक नया वर्ड बना सकता है, बट मैंने उसे बहुत ज़्यादा उसकी मैंने प्रैक्टिस की, आई यूज़ इट इन माई सेंटेंसेस और वो मुझे आज तक भी याद है. सो दिस इज़ द थिंग कि जब आप किसी चीज़ को इमिडिएटली आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ जो होती है वो एक लर्निंग स्ट्रेटजी में बहुत मायने रखती है. यू कैन से लाइक दैट के प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट. थर्ड पॉइंट इसका है, लिंक टू दिस लास्ट एबिलिटी इज द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज अ लैंग्वेज इन अ लिविंग कॉन्टेक्स्ट. ही कुड फॉर एग्जाम्पल वॉच फिल्म्स, रीड बुक्स. अच्छा जी, इसमें आ जाती है मीडियम की बात, कि आप मीडियम बहुत से यूज़ करें, आप इंस्ट्रक्शन के लिए मीडियम यूज़ करें, आप जो है मीन वाइल आप देखें न्यूज़पेपर यूज़ करें, मैगजीन, यू हैव टू लिसन द रेडियो प्रोग्राम्स. आपका अपना शौक, आपका अपना पैशन कितना है कि आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, इसमें ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा काउंट करती है. मतलब कि आप अगर आपके अंदर शौक है, पैशन है ना, तो आप फ्री टाइम में भी चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ लर्न कर लें. ये लर्नर की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी में भी आता है, उसकी बहुत बड़ी एक एबिलिटी में भी आता है. अगर वो फ्री टाइम में न्यूज़ चैनल्स देखता है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इंग्लिश लैंग्वेज उसने सीखनी है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इसी तरीके से वो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से वो सीख सकता है उसको जाने नहीं देता है अपने हाथ से. दैट इज़ आर लर्निंग स्ट्रेटजी. ये उसकी लर्निंग स्ट्रेटजी कि वो चाह रहा है कि मैं किसी ना किसी मीन से, चाहे वो रेडियो सुन के या किसी तरह भी इसको सीख लूँ, ये भी एक स्ट्रेटजी है. फोर्थ वन इज़ द सक्सेसफुल लर्नर आर नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एंड इन फैक्ट रिकॉग्नाइज दैम एज वैल्यूएबल टू द लर्नर लर्निंग प्रोसेस. अब होता यह है, इसमें मैं थोड़ा सा एज का भी दोबारा बताऊँगी कि जो बच्चे होते हैं वो क्यों जल्दी सीख जाते हैं, क्यों, मतलब क्योंकि वो डरते नहीं हैं, मिस्टेक्स करने से डरते नहीं हैं, दे डू नॉट अफ्रेड. बट जैसे ही हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो फील कि अगर हमने किसी के सामने गलत इंग्लिश बोल दी, अगर हम इंग्लिश की ही बात कर लें बेसिकली, तो हमारी इंसल्ट होगी, हमें शेमफुल सा एक रवैया होता है, और हमारी सोसाइटी में भी कुछ इस तरह से है. लेकिन एक बच्चा इस चीज़ से नहीं घबराता, इसीलिए वो बहुत जल्दी लर्न करता है. ठीक है, जबकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम उसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उसको हम अप्लाई करने में बहुत ही हमें दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, वही हेजिटेट कि नहीं हमसे गलती हो जाएगी, हमारा मजाक बनेगा सोसाइटी में. दैट इज़ वाई हम बहुत ही देर से सीखते हैं. मगर अगर हमें इतना अलाउ कर दिया जाए कि बेशक हम गलत भी बोलें, इट्स ओके, हम बोलते रहें, हम उससे उसमें अपने फ्रेंड से बात करें, बेशक गलत हो, ऑल्दो इट इज़ रॉन्ग और राइट, तो फिर उससे क्या होगा, हमारी वो स्किल जो है वो निखरती जाएगी, इट विल बिकम मोर एंड मोर डिवेलप होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, और हम उसको सीख जाएंगे. तो ये सब लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर टंग. आपने अपनी मदर टंग से जो भी वर्ड सीखे होते हैं, जिस भी आप पैटर्न पे चले होते हैं, स्पेशली आपकी साउंड से, आपके वोकल से रिलेटेड ये चीज़ है, तो उससे आपकी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बहुत बड़ा असर पड़ता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है. वो कैसे, इट इज़ समथिंग लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम नोट करें तो एक पठान फैमिली से अगर एक इंसान है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड कि वो यूज़ करते हैं मैं वहाँ गया ता, ता यूज़ कर,
था ही बोलेगा, वो था नहीं बोलेगा। एक उर्दू स्पीकर जो है लाइक मी, वो बोलेगा मैं वहाँ गया था या गई थी। ठीक है, तो इस तरह वो ता और था का फ़र्क क्यों है? बिकॉज उनकी जो मदर लैंग्वेज है पश्तो, उसमें वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो था नहीं बोलते, ता बोलते हैं। आल्दो वो उर्दू बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उर्दू में भी उसका वो इन्फ्लुएंस मदर लैंग्वेज का आ रहा है। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। तो दैट इज़ ये चीज़ है, मदर लैंग्वेज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ें आप वर्ड्स बोलते रहे होते हैं वोकली आपके लिए ईजी होते हैं, आपके गले से जिनकी आवाज़ निकलना या आपकी प्रैक्टिस हुई भी होती है, वो आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज में भी बोलना ईजी होते हैं।